wish I could sleep over the problem like she is. यहाँ सप्तर्षि ने बैठे बैठे एक दोस्त बना लिया. He's so happy. In the middle of T5, पूरा जैम लगी है. ये अपना आ गया जम्मू फेमस कलाड़ी कुलचा. And welcome back to our channel Triple Carry. It's 22nd March today and आज हमारा कश्मीर ट्रिप खत्म होता है. We'll head towards home. और तो थोड़ा मूड तो ऑफ ही है मेरा और सप्तर्षि दोनों का ही, तो बस देखे जा रहे हैं. सो यहाँ पे पैकिंग ऑलमोस्ट डन. और हम लोग ये हीटर भी लाए थे कि इन केस अगर किसी होटल में हीटर नहीं मिला, क्योंकि सुवान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सब ध्यान रखना पड़ता है. और वही हुआ, इस होटल में हीटर तो दिया था लेकिन दिस इज़ नॉट वर्किंग वेल. तो दिस वाज अ सेवियर पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग वायर रोड. सो वी आर लीविंग, इट्स 9:30 नाउ. बहुत मन खराब कर रहा है. ऐसा लग रहा है इट वाज जस्ट यस्टरडे व्हेन वी स्टार्टेड द ट्रिप. इतना एक्साइटमेंट था और अभी ट्रिप ख़त्म भी होने वाला है. कश्मीर तो ख़त्म हो ही गया है, अभी बस घर लौटने की बारी. एंड बस लगे काश हम यहीं पे रुक जाएं. जस्ट लुक एट दी सराउंडिंग. होपफुली फिर आएंगे कभी कश्मीर. पहलगाम का सेल्फी पॉइंट इधर रुके हैं, फोटो खींचेंगे. इट इज़ जस्ट अराउंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होटल. इधर फोटो खींच के चले जाएंगे. गाड़ी पार्क इधर की है, हम लोग को एक सिमरन वाला फोटो खींचना है. स्तुवान अंदर सो रहा है तो जल्दी जल्दी कर रहा है. GoPro उठानो. ये कश्मीर के लोकल बेकरी से केक खरीदा था कल सप्तर्षि ने. सो वी आर हैविंग इट, इट्स नाइस. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. और सर कैसे हो? बस ठीक. बस डॉक्यूमेंट से चेक हो रहेगा, ऐसी कोई बात. ओके ओके, थैंक यू. कहाँ से हो आप? कोलकाता. कोलकाता. अभी कैसा लगा इधर? बहुत ही अच्छा लगा. अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी घर वापस जा रहे हैं. अभी जाएंगे अम्बाला. अच्छा. अम्बाला से फिर लखनऊ. फिर चलो. अच्छा, तो मुझे लगा मैं तो सब सही कर रहा था, अचानक क्यों पकड़ लिया. आई थॉट आई वाज डूइंग एवरीथिंग राइट, तो क्यों पकड़े. दैट्स व्हाई आई स्विच्ड ऑन द कैमरा दैट एवरीथिंग इज ओके. Crossing Banihal and the usual traffic jam. T5 tunnel आएगा अभी शायद. It's 12:42 now. हम अभी भी जैम में ही फंसे हैं. स्तुवान और मैं दोनों नींद से उठे and then स्तुवान को मैंने खिचड़ी और boiled egg खिला दिया and now he is full of energy which we can't control. So एक landslide cross कर रहे हैं. Good for us कि अभी ये clear up हो गया है. बट आगे जाके गूगल दिखा रहा है कि देर इज़ अ 1 hour 12 minute कंजेशन. पता नहीं कब पहुँचेंगे. अच्छा,
वन मोर लैंडस्लाइड है, इसीलिए कंडीशन दिखा रहा था। काफ़ी दूर तक गया। ये बनीहाल स्ट्रेच तो नोटोरियस है फॉर लैंडस्लाइड्स एंड रोड क्लोजर्स, एंड इसीलिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि टनल्स आर बिल्ट अप फास्ट, और टनलिंग का काफ़ी काम भी चल रहा है इधर। और एक जगह भी है जहाँ पे शूटिंग स्टोन्स का काफ़ी प्रॉब्लम है, एंड ऑलमोस्ट एक स्टोन आके जब हम लोग आ रहे थे अपने गाड़ी पे आके गिरा। सो इट इज़ 1:04 राइट नाउ, अभी भी जैम में फंसे हुए हैं। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पीछे चला गया। दिस लास्ट 1 आवर और सो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर ही आए होंगे। इट इज़ वेरी बैड, लुकिंग वेरी बैड। आई थिंक आई हैव टू चेंज द डेस्टिनेशन। सो इन द मिडिल ऑफ T5 पूरा जैम लगी हुई। सो इट्स 2:00, 2 घंटा ट्रैफिक जैम में फंसे थे, फाइनली आवर कार इज मूविंग एंड होपफुली सामने ट्रैफिक जैम ना हो। बहुत लंबा चला है और काफ़ी जैम। आज लंच तो हुआ नहीं था, तो अभी हम एक ढाबे में रुके हैं। यहाँ पे मैंने राजमा चावल और सप्तशी ने क्या कुलचा, कलड़ी कुलचा लिया है जो जम्मू का फेमस है। ये अपना आ गया जम्मू फेमस कलड़ी कुलचा। दिस इज अ व्यू पॉइंट नियर उधमपुर। तो वी आर बाईपासिंग जम्मू वाया दिस शॉर्टकट। वी टुक दैट ब्रिज एंड ऊपर आके ये दिखा, काफ़ी सीनिक लगा, इसीलिए रुक के फोटो खींचे एक दो। समवेयर देयर इज कश्मीर एंड आई ऑलरेडी मिस कश्मीर। चलते हैं। एज वी अप्रोच जम्मू, लैंडस्केप तो चेंज हो ही रहा है ड्रास्टिकली। फुल स्लीव्स थे, अभी हाफ स्लीव्स पे उतर आए। गाड़ी का हीटर ऑन था, एसी चलाना पड़ रहा है बिकॉज द हीट इज़ गेटिंग टू अस नाउ। एंड इवन दो इट इज़ ग्रीनर देयर, थोड़ा मन तो उदास हो ही रहा है बिकॉज आई मिस स्नो। सप्तशी ने बैठे बैठे एक दोस्त बना लिया है। दो। But he is not waving at you. He did. He did? The right one did. Oh. Just for a second. See both of them, yeah. It's 9:17 now. Sapthashi is still driving. Ambala तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और फिर कल भी सुबह सुबह निकलना है। So we have decided कि हम लुधियाना में रहेंगे। So I have called up Lemon Tree Hotels over there and they said they have vacancy for today. The one had his dinner in the car only today. Keeping in mind the condition that is going on in Punjab, we were a bit skeptical to stay in Punjab, but अभी कुछ कर नहीं सकते। तो हम होटल बेंसन रीजेंसी आए हैं, वो बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है।
एंड द रीज़न वी डिडंट गो टू लेमन ट्री बिकॉज वो मेन रोड से 10 किलोमीटर्स अंदर डिटूर होता, वो मैंने पहले चेक नहीं किया था तो वो सप्तर्षि ने चेक किया, सो इसलिए हम उधर नहीं गए, तो हाईवे के ऊपर ही ये मिला. एंड इट्स अ नाइस होटल, दे डील इन ओनली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. एंड सो दिस इज आवर रूम फॉर टुडे. इट्स अ प्रिटी नाइस रूम, वेरी क्लीन एंड टाइडी, विच आई पर्सनली लाइक. Stovan is having his time with remotes and telephones. He's so happy. And here is the washroom, which I am excited for. Excited? It was a very hectic day today. तो अभी थोड़ा फ्रेश होके अच्छा लग रहा है. मैंने सुवान को भी फ्रेश कर दिया है एंड उसने डिनर तो गाड़ी में ही कर लिया था, तो अभी बस वेट कर रहे वो कब सोने जाएगा. सो दिस इज आवर डिनर फॉर टुडे, दम आलू एंड तंदूरी रोटी. मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी. इट्स 24th ऑफ मार्च टुडे एंड हम लोग NH के पास ही एक होटल में है, होटल बेंसन. सो मेरा कल तो इतने डेड टायर्ड थे, मैं और सप्तर्षि की दोनों कब सो गए पता नहीं. इनफैक्ट तुवान भी कब सो गया बिल्कुल पता नहीं, तीनों अपने अपने में सो गए. एंड आज सुबह तो मेरा रूटीन तो सेम ही, आई वोक अप एट 6 एंड देन डिड ऑल दी कोर्स. तुवान इज स्टिल स्लीपिंग, आई एंड सप्तर्षि आर रेडी. सो I'll just start massaging Stovan, फिर वो अपने से ही उठ जाएगा and then I'll give him a bath and feed him and then we leave. So it's 9 o'clock, check out करने का time हो गया है. So this is just near the highway. इधर से लुधियाना city चली जाती है. And that is, I guess, the Ambala bypass flyover. It started raining. और जाते वक्त होटल को भी सामने से दिखाएंगे. So, I'll just go down to the reception and clear my bills. Hello. Good morning. सो बिल्स आर क्लियर्ड. ऊपर लगेज लेने भी भेज दिए. आई विल गो टू द पार्किंग, गेट द लगेज सॉर्टेड एंड देन लीव. 9 o'clock नाउ, तो हमारा स्टे काफी अच्छा था एंड नाउ वील हेड टूवर्ड्स लखनऊ. थैंक यू. हम लोग निकल गए हैं एंड इट्स रेनिंग और वेदर तो एकदम लॉन्ग ड्राइव वाला ही है, पर सप्तर्षि इज नॉट लाइकिंग इट बिकॉज वो कह रहे हैं कि ऐसा वेदर रहेगा तो नींद आ जाएगा. रिफ्यूलिंग ओवर हियर. यहाँ पे डीजल है 87.98 और जम्मू में सबसे चीपर था 84. पूरा ट्रिप चीपेस्ट दैट वी फील डीजल थ्रू आउट द टूर वाज इन जम्मू, इट वाज अराउंड 84. ये चेकिंग के लिए स्टॉप किया है. टिकट खींचो. तो एक्चुअली ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़े थे. 90 स्पीड लिमिट है पंजाब रोड्स पे, मेरा 95 था तो वो डिक्लाइन पे था, तो मैंने बोला कि हम लोग बात करते करते आ रहे थे, ध्यान नहीं दिया होगा तो डिक्लाइन पे बढ़ गया होगा. तो दे वर वेरी स्वीट और बोल रहे थे इतना बड़ा गड्डी चला रहे हो, फाइन भरो फाइन भरो, तो हंस हंस के बोल रहे थे. देन दे लेट अस गो. सो थैंक यू पंजाब पुलिस. 11:30 क्रॉसिंग पानीपत. जब से पुलिस पकड़े आई हैव बिकम वेरी कॉन्शियस एंड दैट इज काइंड ऑफ टीडियस ड्राइविंग करते वक्त. Even though you have cruise control, sometimes open road देख के लगता है कि you throttle hard. But anyway, speed limits are there for a reason and we should all respect it. And I wish I could sleep over the problem like she is. It's 11 and we have entered Ambala. Someone woke up, had his lunch. Hey.
सो टुक अ रॉन्ग टर्न और अभी सिटी में घुस गए। फ्लाईओवर ऊपर है एंड गूगल बता रहा है कि 4 किलोमीटर ऐसे ही जाना है, फिर आई कैन कनेक्ट बैक टू द इमेज। मन्नत का ऐड काफी देर से देख रहे थे तो सोचे इधर ही रुक जाते, लंच इधर ही कर लेंगे। और इसको अभी खाली जगह मिल गया, इट इज ऑलमोस्ट 1 जस्ट नेक्स्ट टू द हाईवे। आज वेदर बहुत ही अच्छा है। हाँ सो वी आर एट मन्नत। ढाबा तो नहीं है, बस फूड कोर्ट काइंड ऑफ है और प्राइसेस कंपैरेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव ही है। मतलब जैसे अमृतसरी कॉम्बो हम लोगों ने खाया था 100 रुपये में, दैट इज़ 280। सो या इट्स एक्सपेंसिव। सो दिस इज़ आर लंच फॉर टुडे, द स्पेशल थाली वेज थाली and this is gobi ka paratha which I wanted to try in Punjab. He also wants to try. Aaj kafi mushkilon ke baad hum logo ne lunch complete kiya kyunki aaj suwan ko bahut badmashi karne ka man tha and as you know we don't travel with a nanny to pura khud ko sambhalna hota hai and not abhi that good. Wo humne जाते वक्त कहाँ पे खाया था? जाते दैट ढाबा वाज बेटर, दैट ढाबा वाज बेटर। एंड गोभी का पराठा पैक कर लिए, शाम को खा लेंगे। वाइल्ड ऑन अ रोड ट्रिप मुझे ब्रेक्स लेना ज़्यादा पसंद नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। अनन्या और बेटे को दोनों के शुगर रश हो गया है, इसीलिए ज़्यादा खिलाना नहीं चाहिए। So we enter Eastern Peripheral Expressway. ये Eastern Peripheral Highway इतना गंदा हाईवे है, बाप रे इतना अनइवन कोई रास्ता हो सकता है? गाड़ी इतना उछल रहा है, मेरे तो पेट में दर्द होना चालू हो गया है। पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा के बाद ये फर्स्ट एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे 120 स्पीड लिमिट है, तो तुम गाड़ी उड़ाओ। उड़ाओ मतलब हाँ उड़ा ही दो, तुम पूरा आसमान भी उड़ा दो क्योंकि इतना अनइवन रास्ता है, हर 2 सेकंड बाद बाद गाड़ी उछल रहा है। 10:03 एंड वी आर एंटरिंग यमुना एक्सप्रेसवे। वन डे आई विल बी हियर विद माय बाइक। ग्रैंड स्टैंड सामने तो बहुत इंटरनेशनल सर्किट लिखा हुआ था, गैलरी स्टैंड वही लग रहा था। आने का बहुत मन है, इनफैक्ट आनंदिता वंस ऑलमोस्ट गिफ्टेड मी अ वाउचर फॉर ट्रेनिंग हेयर विद कैलिफोर्निया सुपर बाइकिंग स्कूल। जस्ट लेफ्ट द यमुना एक्सप्रेसवे, अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 300 किलोमीटर्स टू गो बिफोर वी रीच हेलो। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45, 7 बजे लखनऊ पहुंच गए थे पर होटल्स ढूंढने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लेना ठीक रहेगा। सो फाइनली वाइल्ड पिकिंग अप स्टूवान्स मिनरल वाटर, तो क्रेट खरीद रहे थे तो
उनसे पूछे तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, स्काई अवध एकदम नया खुला है, रूम्स आर ऑल्सो गुड, एंड द गुड थिंग इज़ ये जो हाईवे है, दिस इज़ द हाईवे दैट कनेक्ट्स यू टू पूर्वांचल, तो कोई डिटूर भी नहीं होगा, एंड दे हैव ऑल्सो अलाउड अस टू स्विगी फूड, बेसिकली स्विगी के लिए मतलब खाने के लिए रुक रहे हैं लखनऊ, आनंदिता को लखनऊ के कबाब और बिरयानी खाना है तो इसीलिए रुक रहे हैं आज लखनऊ पर, तो ये लोग अलाउ कर रहे हैं कि हम लोग स्विगी करके इधर खा सकें। गाड़ी उधर खड़ी है, इधर इधर पार्क कर देंगे और फिर लगेज लेके जाते हो। तो ये रहा इन लोग का रिसेप्शन और ये रही रूम। तो अभी फ्रेश हो जाते हैं फिर। इट्स 10:07 और अब जाके हमारा स्विगी का ऑर्डर आया। पहले हमने ऑर्डर किया टुंडे से, विच इज वेरी फेमस इन लखनऊ, लेकिन हमारा जो डिलीवरी पार्टनर था स्विगी का वो पहुंचा ही नहीं, वो फोन भी नहीं उठा रहा था, तो मैंने कंप्लेन रेज किया, फिर स्विगी से भी कुछ नहीं हो पाया, तो फिर वो कैंसिल हुआ। फिर हमने एक जायका है, वो अमीनाबाद में ही है, उसका रेटिंग काफी अच्छा था, तो हमने वहां से ऑर्डर किया एंड फाइनली आ गया है हमारा खाना। सो वी हैव ऑर्डर्ड अ बिरयानी, गलौटी कबाब विद पराठा एंड वन रोस्ट चिकन। सो वी जस्ट जंप ऑन इट। दिस इज दी पराठा विद दी गलौटी कबाब, ये रोस्ट चिकन है और ये बिरयानी है। लुक्स डिलीशियस।